नमस्कार, आप सबका स्वागत है जी हमारे चैनल हारमोनियम गुरु में। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं 16वां लेसन देने जा रहा हूँ। अभी तक हमारे 15 लेसन हो गए हारमोनियम के ऊपर। तो मैंने कुछ अलंकार बताए थे, करीब 36 के अराउंड हमने अलंकार करी। आज मैं आपको 5 और अलंकार बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्लो स्लो बजाऊंगा, होप है आपको समझ लग जाएगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम वही थाट जो बिलावल थाट हम कर रहे हैं उसी में ही है। तो ये 37वां अलंकार था। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेम अलंकार को बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूं हूबहू वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, भले आप इसका टेम्पो थोड़ा स्लो रख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको बजाना है। अभी हम 38वां अलंकार देखते हैं, 38 अलंकार। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। इसी को रिपीट कर रहा हूं मैं 38वें अलंकार को। पा 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 पा
अभी 39वां अलंकार देखते हैं, 39th अलंकार। रिपीट कर रहा हूं मैं इसी अलंकार को, अभी 40वां अलंकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए थोड़ा मुश्किल होगा, बस इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे बजाने लग जाएंगे, ठीक है। ये बट चीज प्रैक्टिस से ही आएगी आपको, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बजाना आएगा। चलिए अभी 40वां अलंकार देखते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं 40वें अलंकार को। इस प्रकार आपका 40वां अलंकार बजेगा। अभी 41वां अलंकार देखते हैं, तो देखते हैं 41वां अलंकार। रिपीट कर रहा हूं 41वें अलंकार। सा नी धा नी सा नी धा।
प्रकार आपके अलंकार बजेंगे, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो बजाते हुए मेरे को कई कई बार ना पता कि कंफ्यूज हो जाता हूँ वापस आने में, क्योंकि ये एक जैसे ही है, ठीक है? तो बाय चांस अगर मिस्टेक भी हो जाए तो आप वैसे ही मिस्टेक मत करने का, आप वैसे ही बजाना जैसे उसको ऊपर नोटेशन के ऊपर आपको लिखा हुआ, ठीक है? बोलने में कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है तो क्योंकि उलझ जाते हैं ना, पता नहीं चलता कि कहाँ से वापस आना था दोबारा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस बात का, आप भी वैसे मत, अगर कोई बाई चांस गलती हो भी जाती तो आप भी वैसे गलती मत दोहराइएगा, आप नोटेशन को देख के बजाइएगा, ठीक है? मैं तो सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि पैटर्न ऐसे बजेगा, एक तरीका सीक्वेंस में ऐसे बजेगा, ठीक है? तो चलिए तब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, इस लेसन को प्रैक्टिस करिए, तो आगे वाले अलंकार फिर करेंगे हम अगले वाले लेसन में, ठीक है? तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक एक अलंकार को टाइम दीजिए, तभी आपको अलंकार की समझ आएगी, बजाने में समझ आएगी, ठीक है? शुक्रिया, धन्यवाद।